महाराणा प्रताप भारत के महान शूरवीर सपूतों में से एक थे। वीरों के वीर महाराणा प्रताप सिंह सिसोदिया, जिनके शौर्य, त्याग और बलिदान की गाथाएं आज भी देश में चारों ओर गूंजती हैं। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को राजपूत राज परिवार में हुआ था। पिता उदय सिंह मेवाड़ वंश के शासक थे। महाराणा प्रताप उनके बड़े बेटे थे। शूरवीर महाराणा प्रताप ने मुगलों के अतिक्रमणों के खिलाफ अनगिनत लड़ाइयां लड़ी थी। अकबर को तो उन्होंने युद्ध में 3 बार बुरी तरह हराया था। गौरतलब है कि भारत की आन बान शान और वीरों के वीर महाराणा प्रताप का जन्मदिन साल में 2 बार मनाया जाता है। 9 मई 2023 को उनकी 486वीं वर्षगांठ मनाई गयी। आपको बता दें कि कुछ विशेष कारणों से महाराणा प्रताप की 2 जयंतियां मनाई जाती हैं, जिसमें से एक तिथि अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 9 मई 1540 है। वहीं बहुत से लोग उनका जन्मदिन हिंदू पंचांग के अनुसार जेठ मास की तृतीया को गुरु पुष्य नक्षत्र में मनाते हैं। इसी अवसर पर आज मदद फाउंडेशन द्वारा महाराणा प्रताप सर्किल प्रताप नगर में महाराणा प्रताप की जयंती मनाई गई, जिसमें सफेद से मदद फाउंडेशन एडमिन दिलीप सिंह, श्यामपुरा से राजपूत विकास मंच संरक्षक अजय सिंह आदि गणमान्य मौजूद रहे। मदद फाउंडेशन एडमिन दिलीप सिंह जी ने बताया कि आने वाली 22 मई को हिंदू पंचांग के तहत इसी जगह भव्य जयंती मनाई जाएगी, जिसमें 51,000 दीपक से दीपोत्सव के रूप में मनाया जाएगा। देखिए, हिंदुआ सूरज मेवाड़ रतन महाराणा प्रताप जी स्वाभिमान के प्रतीक, उनको आज नमन करते हुए सभी देशवासियों को इस जयंती पर बहुत बहुत बधाई व हार्दिक शुभकामनाएं देते और सभी युवाओं को और देशवासियों को इनसे प्रेरित होकर के इनके द्वारा देश हित में और मेवाड़ के लिए किए गए कार्यों को प्रेरणा लेते हुए और इन्हीं के पद चिन्हों पे आगे बढ़ते रहना चाहिए। देखो, मदद फाउंडेशन का काम है कि सभी के लिए 36 कौम को साथ लेकर के और गरीब बेसहारा परिवारों के लिए हर जरूरतमंद के पास पहुंच करके उनकी घर घर डानी डानी जा करके उनकी तन मन धन से उनकी सेवा करना। नमस्कार, मेरा नाम दिलीप सिंह राठौड़ है और सर्वप्रथम सभी देशवासियों को महाराणा प्रताप जयंती की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मदद फाउंडेशन के बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि 15 फरवरी 2018 को मदद फाउंडेशन की स्थापना हुई थी और इसका मेन उद्देश्य यही रहता है कि जो ग्रामीण क्षेत्रों से विधवाएं महिलाएं हैं उनका आर्थिक सहयोग करना, रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना, जैसे सिलाई मशीन हुआ, आटा चक्की मशीन हुआ, ये हम पूरे राजस्थान में प्रोवाइड करवाते हैं विधवाओं के लिए। मदद फाउंडेशन ऐसे जो भी राष्ट्र के प्रति समर्पित रहे हैं महापुरुष, उनकी जयंती और समय समय पर मनाता रहता है और मदद फाउंडेशन है वो सभी को साथ लेकर और जो ग्रामीण क्षेत्र में, जैसे कि दिलीप जी ने बताया, ग्रामीण क्षेत्र में जो भी विधवाएं हैं उनको आर्थिक सहयोग कैसे उपलब्ध कराए जा सकते हैं उस पर कार्य करता है। 22 मई को है तो 22 मई को भव्य आयोजन रखा गया है यहीं पे। हाँ, तो वो आप क्या उस दिन प्रोग्राम कराए जा रहे हो या क्या आपका इवेंट है? यहाँ पे 51,000 दीपक का प्रोग्राम है, पूरे मतलब सर्किल को सजाना करना हल्दी घाटी से यहाँ तक का। जी, हल्दी घाटी की माटी से आप जो वहाँ से जो माटी लाई है उसके द्वारा मतलब तिलक किया जाएगा और 51,111 दीपक जलाकर महाराणा प्रताप जयंती को बड़ी धूमधाम से उत्सव से मनाया जाएगा। काफी संख्या में यहाँ लोग आएंगे। वैसे 22 मई को बड़ी धूमधाम से हिंदू पंचांग के हिसाब से 22 मई को जो तिथि है महाराणा प्रताप जयंती की, उसको प्रताप नगर में यहीं पर महाराणा प्रताप सर्किल के पर यहीं मनाया जाएगा। महिलाओं के द्वारा जो हल्दी घाटी से जो मिट्टी लाई गई है उनके द्वारा मतलब तिलक किया जाएगा। सभी देशवासियों को एक बार पुनः महाराणा प्रताप की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। इसी तरह की तमाम जानकारी के लिए आप बने रहिए द फ्रीडम न्यूज के साथ।